आज हम सीखेंगे सही ढंग से चाय बनाना, उसके साथ एक नमकीन भी बनाएंगे। तो ये मैंने दूध और पानी दोनों को मिक्स करके रख दिया है गैस पे गरम करने। इसमें मैंने लिया है 1.5 कप दूध और 1 कप पानी। मुझे बनानी है आज 2 कप चाय, तो मैंने ये पोर्शन रखा है। और गरम होने पे मैं डाल रही हूँ इसमें चाय पत्ती और चीनी, और बॉयल आने लगेगा भी। और मैंने इसमें अब डाल रही हूँ अदरक, जो मैंने कद्दूकस करके रखा है, तो मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। दोस्तों ऐसे क्या है, जब बॉयल आए तभी अदरक डालिए, तो ऐसे हमारी दूध फटने का डर नहीं रहेगा, नहीं तो फट जाता है अगर पहले ही डाल देंगे अदरक। तो अब मैं इसके साथ बनाऊंगी आज नमकीन एक हल्की सी। तो मैंने साइड में गैस पे रख दी कढ़ाई, जिसमें घी डाल दिया है थोड़ा सा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। पहले मैं करूँगी मूंगफली को रोस्ट। ये मैं मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। इसमें जब हल्की सी क्रैक होने की आवाज़ आने लगे तब समझो हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। और उसी कढ़ाई में अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू, इनको भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और ये भी मैंने निकाल लिया। अब जो बचा हुआ घी है उसमें अब मैं लास्ट में डालूँगी मखाने। मखाने लास्ट में ही रोस्ट करना, क्योंकि ये घी सोख लेते हैं। थोड़े ही घी में मैं अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। मीडियम गैस पे 2 मिनट ऐसे चलाते हुए जब हम करेंगे, चलाते हुए पकाएंगे, तो ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखिए कलर चेंज होने लगा है और ये मखाने मेरे रोस्ट हो गए हैं। इनको भी मैं बाहर निकाल लूँगी और गैस की फ्लेम कर दूँगी एकदम सेम। और इसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी और 2 पिंच हींग डाली है। अब इसमें मैं डालूँगी मुरमुरे एकदम सिम गैस पे 2 मिनट के लिए। इनको भी रोस्ट करूँगी ताकि ये अच्छे से और क्रिस्पी हो जाएं, कुरकुरे हो जाएं। ये मेरे मुरमुरे भी हो गए हैं अब क्रिस्पी। अब मैंने गैस की फ्लेम कर दी बंद और बाकी का सारा रोस्ट करा हुआ आइटम मैं इसी में मिक्स कर लूँगी। और मैंने डाली आधी चम्मच मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। इसी में हम ऐसे ही मिक्स करेंगे चलाते हुए, ताकि सभी पे अच्छे से कोटिंग आ जाए नमक मिर्च की। तो नमकीन मेरी तैयार हो गई है इधर। और दोस्तों ये नमकीन बहुत अच्छी लगती है, झटपट बन जाती है। और सभी अच्छी चीज़ें हैं, बाहर की नमकीन से भी ज़्यादा अच्छी बनती है ये, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी चाय बनी है। कई बार अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में मेहमान आ जाता है, कोई आ जाता है और कुछ है नहीं साथ में देने के लिए, तो आप एक साइड में चाय बनाते बनाते ये हल्की फुल्की नमकीन आप ऐसे बना सकते हो। कड़ी पत्ता होते तो वो भी डाल सकते हैं उसमें। और अब मैं इस गैस की फ्लेम को हाई करके कुछ देर चाय को पका रही हूँ। और ऐसे चलाते हुए चमचे से या चम्मच से ऐसे पकाइए दोस्तों, बहुत अच्छा स्वाद आता है ऐसे पकाने पे चाय को। और इसको कुछ देर पकाना होता है, जल्दी उतार दोगे तो चाय अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से, अदरक की खुशबू। बहुत अच्छी चाय बनी है। तो चाय और नमकीन मेरी तैयार है दोस्तों। ये बची हुई नमकीन अब मैं एक कंटेनर में रख दूँगी। और आप अपने घर में ज़रूर एक बार ऐसे ट्राई करें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों सभी के साथ कि हमारे घर में कुछ नहीं है चाय के साथ देने के लिए, तो झटपट बनने वाली नमकीन है ये और बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।